बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग मुझे इस किरदार में पसंद करें, क्योंकि ये पहली बार मैं कुछ मेथड एक्टिंग ट्राई करने वाला हूँ। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि रोहित रॉय इस शो का हिस्सा है, उन्हें लगना चाहिए कि स्क्रीन पे जो है वो किंग बम्बी है। तो उसके लिए पूरा चाल ढाल, लुक, बात करने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, हाथ यूज़ करने का तरीका, वो बिल्कुल मॉडर्न नहीं हो सकता है। वो 350 BC के आसपास जो जिस तरह से वो लोग बिहेव करते थे, अब ये शायद मुश्किल होगा लेकिन करेंगे जरूर। वही काफ़ी बड़े स्क्रीन पर शो आ रहे हैं। जी जी। ट्रेनिंग की बात करें तो यू नो शो में हर चीज़ हमें परफेक्ट चाहिए, रियल चाहिए। कभी इससे पहले टेलीविजन पे आपने इतना होमवर्क किया है? नहीं, मैंने टेलीविजन पे नहीं, फिल्मों में भी इतना होमवर्क नहीं किया जितना यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिमांड है इस शो की। ये आपका रेगुलर डेली शोप या आपका कोई कॉमेडी शो या एक्शन शो नहीं है। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे वो चाहते हैं कि हम लोग रियल कैरेक्टर्स हों। उन्होंने हमें ये भी कहा है कि ना आप बाल काटेंगे, ना आप दाढ़ी काटेंगे, ना कुछ करेंगे, मतलब जैसा नेचुरल होता है वैसा रहेंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे कहा गया कि कोई मेकअप वेकअप नहीं करेगा, जो जैसे हैं वैसे जाएंगे। सन टैन हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि अगर आप पूरा मेकअप लगा के आएंगे तो लगेगा कि आप कुछ शो देख रहे हैं। यहाँ पे लोगों को ये फीलिंग आनी चाहिए कि बॉस हम लोग 300 BC में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं और हम लोग वहाँ पे जो हो रहा था झेलम के आसपास तक्षशिला में और पौरव राज्य में वो हो रहा है। और बस कोशिश यही है कि जितना स्कूबा डाइविंग की बात की आपने, हॉर्स राइडिंग की बात हो रही है, स्वॉर्ड फाइटिंग की बात हो रही है, इसमें जो तालीम मेरे लिए लेना ज़रूरी है वो लूँगा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार ये घोड़े पर कौन बैठा है। जब मैं घोड़े पर बैठूँ तो लोगों का लगना चाहिए कि किंग बम्बी आ रहा है। तो बस ये सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस स्केल पे इन्होंने विजन सोचा है उस विजन को हम साकार करें। काबिल के कैरेक्टर से तो बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं रखता हूँ और किंग बम्बी के कैरेक्टर से मेरा ये मानना है कि मैं भी लाइफ में फेयर हूँ, बम्बी भी बहुत फेयर है। बम्बी का भाई भी उसे कुछ कह दे तो वो बिना उसे सोचे समझे डिसीजन नहीं लेता। लाइफ में भी मैं बिल्कुल उसी तरह हूँ। मेरे बड़े भाई साहब अगर मुझे कुछ कहें तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन डिसीजन जो होगा मैं फेयरनेस पे बेस्ड होकर रखता हूँ। तो ये एक सिमिलैरिटी बम्बी और मुझ में है, और ये आपने पूछा तो मुझे याद आया। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। What do you want to say? I don't know about bang at all, but yes, definitely I have come back, as in after 7 long months, as in I have waited for this show to start off with the shoot. So we all have waited, we have signed our contract 7 months back ago. So we are getting trained right now, so it's quite exciting. So ये training का कैसा experience रहा? मतलब आप काफी दिनों से issue बहुत 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 बढ़िया training रहा है, क्योंकि ये usual training है नहीं जो हम usual daily soap में करते हैं। कभी कभी daily soap में ऐसे elements डाले जाते हैं कि आज sword fighting है, तो आज shoot में ही sword fight train करके हम लोग shoot कर देते हैं। But ये जो हम लोग कम से कम 45 days से जो हम लोग सीख रहे हैं, ये बहुत ही usual show है नहीं। It's an epic, it's not mytho. I could say कि it's an epic. It's about a story named as Porus, और उसकी माँ की पूरी कहानी है। तो इसमें आपको बहुत तरह के स्टंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत इमोशंस देखने को मिलेंगे, बहुत एग्जॉटिक लोकेशंस देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑल टुगेदर बहुत ही बढ़िया आपको एक एपिक शो देखने को मिलेगा। कैरेक्टर के बारे में अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, बस यही कह सकती हूँ कि बहुत ही इम्पैक्टफुल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एंड जिसके लिए पोरस का ये जो शो है, जिसकी जो नींव खड़ी हुई है, वो इसी कैरेक्टर से शुरू हुई है। तो डेफिनेटली जस्ट वेट एंड वॉच। रखिए, आजकल देखा गया कि एक्ट्रेसेस क्या करती हैं, जब लीप होता है शो में तो वो मदर नहीं प्ले करना चाहती हैं, या वो शो छोड़ती हैं, या कुछ चेंजेस होते हैं। सो यू आर प्लेइंग अप, डेफिनेटली आई वाज स्केप्टिकल अबाउट दिस थॉट कि लेकिन मुझे आ गया था कि इतने बड़े बच्चे के बाबा जी स्टिल, बट इट्स एन एपिक शो एंड और आजकल तो डेली सोप में ही यूजुअल जो मुझसे छोटी लड़कियां या हमारी जो अहम उम्र हीरोइंस हैं, वो आजकल बड़े बड़े लड़कों की मदर्स प्ले कर रही हैं। तो दिस इज़ तो इट्स एन एपिक शो। और इसमें क्या होता था कि पहले के ज़माने में लोग लड़कियों की शादी 17-18 सालों में ही हो जाती थी। तो इवन और रियल लाइफ में अगर आप इस शो में देखेंगे तो बेटा बाप से बड़ा है रियल लाइफ में। यहाँ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो इट नेवर
doesn't mind till the time it's an impactful and important character. आपको कहीं ऐसा दिखेगा ही नहीं कि ये माँ है या बाप है, आपको हर एक character अलग से दिखने वाला है यहाँ पर. So it's an epic show, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं रोती रहूँ कि मैं माँ बनी. It's a, I'm very fortunate to get this character. Even Angelina Jolie played Alexander's mother, but छा गई ना, बस छाने से मतलब है. मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही कहूँगी कि आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और अब बहुत जल्द मुझे देखने वाले हैं पोरस में एंड विच गोना एयर इन अक्टूबर. और प्लीज़ मुझे अपने क्वेश्चन से बग मत कीजिएगा, मैंने अभी रिवील कर दिया कि हाँ मैं पोरस कर रही हूँ. एंड कीप वॉचिंग, जस्ट कीप वेटिंग एंड कीप वॉचिंग पोरस ऑन सोनी. काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नए शो के लिए, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए. सो यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ. क्या कुछ तैयारियाँ, मैं देखा काफ़ी हॉर्स राइडिंग हो रही है, तलवारबाजी. जी जी जी, मज़ा आ रहा है सब करने में. कितना टाइम आपसे कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे. आई थिंक आई ज्वाइंड स्वास्तिक टीम इन द मंथ ऑफ मार्च और मे बी अर्ली अप्रैल. तब से लेकर आज का भी एक दिन है जो हम ट्रेनिंग कर ही रहे हैं. हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं, शॉर्ट फाइटिंग भी कर रहे हैं, रोइंग भी कर रहे हैं, जिमिंग भी कर रहे हैं, और खासकर अपनी एक्टिंग पे भी हमको अपना काफ़ी कुछ काम करना पड़ रहा है. यू नो वी आर इनटू मेथड एक्टिंग एंड ऑल दैट. वी आर गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. हमें क्या कुछ करना पड़ रहा है वो कैरेक्टर को. वी कैन से दैट मैं पोरस प्ले करूँगा, लेकिन आई एम ट्राइंग टू यू नो वो आइडिया लेना चाहता हूँ लोगों के बीच में कि ऐसे भी एक्टिंग हो सकती है. लास्टली कितने तैयार हैं, क्योंकि एक हिस्टोरिकल शो है, काफ़ी सारी मेहनत लगती है जी, शूट में प्लस कॉस्ट्यूम से लेके सब कुछ और एक्टिंग से लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए कितना तैयार है? तैयार तो मैं हूँ डेफिनेटली, हर दिन मेरी तैयारी हो रही है. एवरी डे आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. सो देखते हैं अभी आउटकम, जो भी रिजल्ट्स जो ऑडियंस जैसे पसंद करेंगे, हमारे मेकर्स जो पसंद करेंगे, उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है. For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.